किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड प्रेशर का कम होना, इसे हम बीपी बोलते हैं। बीपी बहुत कम होता है महिलाओं में या फिर लड़कियों में, लड़कों में या फिर जेंट्स में, बुजुर्ग में बीपी कम होना एक किसी डिसीज का इंडिकेशन करता है। हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो जिसके कारण आपका बीपी कम हो रहा है जेंट्सों में, लेकिन लेडीजों में आए दिन आपने सुना होगा कि बीपी कम हो गया है, अचानक से घबराहट होने लगी है, सिर में दर्द होने लगा है, हाथ पैर में दर्द होने लगा है, चक्कर आने लगे हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होगी। इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि ना बैठ पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे, ना लेट पाएंगे, एकदम आपको बेचैनी बनी रहेगी। और आप अपना ब्लड प्रेशर नपाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम आएगा, साथ में आपको सिर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, चक्कर बहुत ज्यादा आएंगे, आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाएगा, आपको भूख सही से नहीं लगेगी। आपको जब भी बीपी डाउन होता है तो भूख पूरी तरह से चली जाती है, साथ में फीवर हल्का हल्का सा लगेगा कि आपको फीवर आ रहा है, थकान बहुत ज्यादा लगेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, जिससे आप बार बार बीमार पड़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है। आपकी बॉडी में लगातार बीपी का कम होना, हो सकता है कि आगे चल के आपकी बॉडी में कोई अन्य डिजीज डेवलप कर दे, ये बिल्कुल हो सकता है। कुछ महिलाओं में बीपी कम होना उनकी लापरवाही से होता है, जैसे बार बार वो उपवास रहती हैं, कभी कोई उपवास नहीं, कभी कोई उपवास नहीं, मतलब हफ्ते में 3 से 4 उनके उपवास हो जाते हैं, या फिर 2 तो होता ही है, जिससे ऐसी लेडीजों की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उनका ब्लड का प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, साथ में उनकी बॉडी में खून की कमी भी होने लगती है, जिसके कारण उनका ब्लड का प्रेशर हमेशा लो ही रहता है। अगर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, खून का टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि खून की मात्रा कम पाई जाएगी। साथ में ऐसे पेशेंट जो लगातार कई घंटों तक खड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं बैठते हैं, उनका जो वर्क है एकदम खड़े रहने का है, टोटल वो खड़े ही रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो ऐसे पेशेंट का भी बीपी डाउन होने लगता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वीक होने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, भूख पूरी तरह से जाने लगती है, क्योंकि वो एक ही काम को लगातार करते हैं और एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ऐसे पेशेंट का बीपी बहुत जल्दी डाउन होने लगता है। ब्लड प्रेशर का कम होना मतलब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका बीपी बार बार डाउन हो रहा है। आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है जिसके कारण से आपका बीपी बार बार कम हो रहा है, तो एक ये रीज़न होता है बीपी कम होने का। जब भी बीपी कम होता है तो आपकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सांस लेने में, आप सांस भी सही से नहीं ले पाते। आप महिला हैं या फिर आप लड़की हैं और आपका पीरियड हर 15 दिन में आता है, इरेगुलर मेंसेस है आपका, जिससे आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है, आपका बीपी डाउन होने लगता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं बीपी से, तो बीपी को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। इस ड्रॉप को यूज़ करने से आपका बीपी बढ़ेगा और आपको बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपका बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा। इस ड्रॉप का नाम है लो बीपी ड्रॉप, ये रेडियंट कंपनी का है, 14 नंबर ड्रॉप है, आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इस ड्रॉप में सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, सारी होम्योपैथिक के कॉम्बिनेशन से इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। इस ड्रॉप को कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 20-20 ड्रॉप लेना है। पानी गर्म कर लीजिएगा, जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तो आधे कप पानी लीजिएगा, उसमें डालेगा 20 ड्रॉप और पी लीजिएगा। इसे आप खाना खाने के 1 घंटे बाद बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ऐसे आप मॉर्निंग में यूज करेगा और दोपहर में, इसी तरह से आप नाइट में यूज करेगा। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, आपके बीपी को नॉर्मल बनाने में हेल्प करेगा और आपका बीपी बिल्कुल कम नहीं होगा इस ड्रॉप को लेने से, और इस ड्रॉप का आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जो ड्रॉप है एकदम नेचुरल ड्रॉप है, होम्योपैथिक ड्रॉप है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।